हाँ जी, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज सुबह 5 बजे हमें एक खबर मिला कि गिचो काबक जी, जो हमारे फॉर्मर नेशनल पीपल्स पार्टी और अरुणाचल यूनिट के स्टेट प्रेसिडेंट भी थे, उनका अचानक 5 बजे निधन हुआ। और ये हमारे लिए, पार्टी के लिए तो बहुत ही बड़ा सदमा भी है हमें लगा, और अरुणाचल वासियों के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा नेक और अच्छा इंसान हम लोगों ने खोया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दी पार्टी मेंबर्स, हम लोगों ने एक तय किया कि एक पार्टी मीटिंग हम लोग रखेंगे, जहाँ पे हम लोग उनके परिवार को, उनके सोल को वी विल कंडक्ट श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे। तो वही है, तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए भी। तो गिचो काबक जी वॉज एन इलस्ट्रियस फिगर, ही कंटेस्टेड वेरियस इलेक्शंस ऑल्सो। उन्होंने रागा से भी असेंबली पर ऐसे एमएलए कैंडिडेट उतारा था, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उठा था। तो ही वॉज अ वेरी अनुभवी लीडर था वो। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो वी पे आर कंडोलेंसेस टू दी बेरेविट फैमिली मेंबर्स एंड ऑल हु वर अटैच टू गिचो काबक जी। गिचो काबक जी वॉज फॉर सिंस सम टाइम ही वॉज फेसिंग सम हार्ट एलिमेंट्स, यू नो, हार्ट का थोड़ा सी उनका प्रॉब्लम चल ही रहा था। सो ही हैड अदर ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन, शुगर इश्यूज था उनके हेल्पर, तो अन्य कारण से मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ता से ही वॉज नॉट कीपिंग वेरी वेल। एंड सो दिस, बट स्टिल दिस न्यूज़ केम एज अ वेरी सडन शॉक टू ऑल ऑफ अस। द पार्टी हैज़ लॉस्ट अ वेरी बिग पर्सनैलिटी। ही वॉज अ गाइडिंग फिगर, वो पार्टी को मार्गदर्शन देते थे। रिसेंटली अराउंड 2 months बैक ही वॉज, बिकॉज ऑफ हिज यू नो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस, ही वॉज टेकन अप फ्रॉम द स्टेट प्रेसिडेंटशिप से उनको नेशनल जो टीम है, एज ए नेशनल सेक्रेटरी ही वॉज अपॉइंटेड, सो दैट द नेशनल प्रेसिडेंट कोनरा संगमा जी कैन यूज हिज एक्सपीरियंस। सो दैट वॉज आर एजेंडा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंड। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोनरा संगमा जी ने भी, ही हैज पेड हिज कंडोलेंसेस टू दी फैमिली मेम्बर्स। ही वॉज ऑल्सो हिज ऑफिस एंड ही ऑल्सो एंड जेम्स संगमा जी ऑल्सो वॉज कंस्टेंटली इन टच विथ हिज फैमिली मेम्बर्स सिंस द लास्ट 2 days, लास्ट सिंस लास्ट यस्टरडे ऑल्सो। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इंसिडेंट हैपेंड। वी ऑल पे आर रिस्पेक्ट एंड वी आर वेरी सैडन्ड एट दिस जंक्शन। खामियाँ मतलब विदाउट हिज एब्सेंस, सी लाइक आई सेड कि वो एक पार्टी को मार्गदर्शन देते थे कि पार्टी किस तरफ जाना है। पिछले 2019 जो असेंबली इलेक्शंस हुआ, जहाँ में हमारे पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, विधायक कम चुन के आए, लेकिन प्रदर्शन, वी वर दी सेकेंड alternative to the BJP in the last election or so. So it was all due to him, it was due to his experience, and he has been constantly guiding us, he has been constantly guiding the national team also. So in his absence, of course, we have lost a very very experienced person, and his absence will always be felt, but we would want to make his family and his soul so proud. एंड सो वी विल उनका जो निर्धारित, जो हम लोगों को ने दिशा दिखाया, उसी दिशा पे हम चलते रहेंगे, पार्टी भी चलते रहेंगे। थैंक यू। मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी को एक दुख सी शेयर करने के लिए। हमारे अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट गिचो काबक जी, जो नेशनल पीपल्स पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा, वो आज सुबह उनका निधन हुआ गुवाहाटी पे। तो उसको मैं लेके आपके प्रेस में आया हूँ। गिचो काबक बेसिकली वो रादुम विलेज कमरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था,
और उनका स्कूल समय से उनका पढ़ाई बहुत अच्छा रहा। उनका पिताजी का नाम तागी काबाक रहा और स्कूल के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पुलिस सर्विस पे जॉब ज्वाइन किया, जहां वो एक इंस्पेक्टर के रैंक से जॉब को रिजाइन किया करके उन्होंने पॉलिटिक्स में उतरा। 2004 में उन्होंने इलेक्शन फाइट किया, 2008 में उन्होंने इलेक्शन फाइट किया एज एन असेंबली इलेक्शन के लिए, एमएलए के लिए। फिर 2014 पे वो एनसीपी की तरफ से एमपी में कंटेस्ट किया। इस तरह लगातार 2004 से लेकर 2014 तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खेलते रहा और बीच में उन्होंने काफ़ी समाज के लिए भी सेवा किया, उनका अपना सोसाइटी में और अरुणाचल एज ए होल। फिर 2014 के बाद वो हमारे पार्टी को संभालने शुरू किया और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा एनपीपी के स्टेट यूनिट का। और उनका नेतृत्व में, उनका लीडरशिप में हमने 2019 के इलेक्शन लगा, जहाँ मैं उनके बुद्धि से, सोच विचार से, उनका लीडरशिप से हमने 5 MLA जीता। और 2019 में भी उनके लीडरशिप में, 2020 में हमने पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन लगा, और जहाँ आज ईटानगर में एक डिप्टी मेयर जो एनपीपी के तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये काबक साहब का ही कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी को लास्ट 20 साल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, और उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, उनका योगदान को देखते हुए, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट ने उन्हें नेशनल सेक्रेटरी का पोस्ट में उन्हें अपग्रेड कराया, और लास्ट 3-4 महीने से वो नेशनल सेक्रेटरी में रहा, और इसलिए वो पार्टी में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा। तो अभी उनका गुजर जाने के बाद हमारा पार्टी में एक शोक सा लहर आ गया। उनका जो एक अपना एक पहचान था पार्टी में, अपना एक लीडरशिप था जिस तरह से पार्टी को गाइड करता था, तो वो जो गैप को पार्टी हमेशा मिस करेगा। उनका गैप को शायद, मैं ऐसा लगता है कि आने वाला समय में हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश और नेशनल लेवल में हमेशा महसूस करेगा, और आने वाले समय में शायद कभी भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा नेशनल प्रेसिडेंट का बिहाफ से और स्टेट प्रेसिडेंट का बिहाफ में और एंटियर जो नेशनल पीपल्स पार्टी के बिहाफ में, मैं एज ए पांगा बागे जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश यूनिट, उस फैमिली को मेरा कंडोलेंस कन्वे करता हूँ कि भगवान उस फैमिली को शक्ति दे, इस तकलीफ समय में उन्हें ताकत दे और फैमिली को चलाने का हिम्मत दे। और जहाँ तक काबक साहब का सवाल है, हम बहुत दुख है, फिर भी मैं भगवान से वही प्रार्थना करेगा कि काबक साहब को जहाँ भी आप रहे, उन्हें गॉड का ब्लेसिंग रहना चाहिए और आप उसका आत्मा को शांति देना चाहिए। और इन दो शब्दों के साथ पार्टी के बिहाफ से हम दोबारा से फैमिली को अपना कंडोलेंस कन्वे करता हूँ, और उनकी आत्मा शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।